नमस्कार दोस्तों, आप सभी के इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, मेरा नाम है राज राय और आप सभी देख रहे हैं हमारा चैनल राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो बात है, ये जो टॉपिक है, अभी कुछ दिन बाद हर एक स्टूडेंट के मन में आने वाला है या फिर अभी भी आ रहा होगा कि अगर मैं MSc फिजिक्स या फिर BSc फिजिक्स के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहा हूँ, एंट्रेंस देता हूँ, अगर मेरा किसी में भी नहीं होता है तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं कि परेशान हो जाते हैं, ये वो करूं कि नहीं करूं, या फिर पढ़ाई छोड़ दूं या फिर घर में बैठ जाऊं। तो भाई देखो, सारी चीज़ें आज मैं क्लियर करूंगा और हर एक चीज़ विथ प्रूफ विथ प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं और मेरा एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ में। ठीक है, तो चलिएगा, इस वीडियो पे अच्छे से आपको ध्यान देना है और हो सके तो इस वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर भी करना जो कि थोड़े से कमजोर हैं और उनको लगता है कि कोई उनको यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम जब नई वीडियो लेके आएंगे हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा और हाई रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो BSc में ही सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है या फिर वो करना है, लेकिन फिर भी वो MSc के लिए ट्राई कर देते हैं। तो आपका जो एक मेंटल स्टेज होता है वो तो उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होता है गाइस। ठीक है, क्योंकि आपने अपना जो टारगेट है MSc नहीं बनाया है। ठीक है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी को पाने की कोशिश नहीं करनी है आपको। आप बस यही सोच रहे हैं कि BSc बाद मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से उसमें से 99.9% जो स्टूडेंट होते हैं अप्लाई तो करते हैं MSc फिजिक्स के लिए, तो ऑब्वियसली आपको भी पता होने वाला नहीं है, इतना भी आसान नहीं होता है MSc फिजिक्स को किसी भी यूनिवर्सिटी से करना। ठीक है, और दूसरे लोग वो होते हैं जो एकदम डेडिकेटेड होते हैं कि मेरे को MSc फिजिक्स ही करनी है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी BSc में तो आपको तो पता ही 99% चांसेस है कि हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और वो लोग जो कि IIT जैम के ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, IIT जैम में नहीं हुआ उनका, लेकिन MSc कोई ना कोई यूनिवर्सिटी उनको मिल जाती है। अब बात ये है कि जिन लोगों को यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है वो करे तो करे क्या। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे को यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है कोई, तो उसके अलावा कोई पढ़ाई होती नहीं। सच बता रहा हूं, तो ये बात जो है गाइस सच है, यूनिवर्सिटी के अलावा और कहीं पढ़ाई नहीं होती है भाई, ये मैं फेस कर चुका हूं। ठीक है, लेकिन एक चीज है, अगर आपके पास टाइम बचने लगता है, अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो, आपके कॉलेज में कोई ध्यान नहीं देता है कि पढ़ाई करानी है कि नहीं करानी है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपका ये जो टाइम होता है गाइस, अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटी में होते तो आप खुद के लिए टाइम कभी नहीं निकाल सकते। आप हमेशा प्रैक्टिकल्स, लेक्चर्स, इस काम में, प्रोजेक्ट में हमेशा फंसे रह जाते हैं, लेकिन अपने बारे में एक टाइम जो निकालना चाहिए वो नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो वहां पे सब कुछ पढ़ाई पढ़ाई से रिलेटेड होता रहता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं ऐसे कि उनको थोड़ा टाइम मिलने लगता है, पढ़ाई नहीं होती है, तो अगर वो बंदा अगर कुछ करना चाहता है तो वो कुछ कर सकता है, सोच सकता है। ठीक है, जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ गाइस, मैंने स्टार्टिंग से तो सोचा था, ठीक है, MSc फिजिक्स मेरे को करनी है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरा जो मोराल था वो थोड़ा डाउन हो चुका था, क्योंकि जो मेरी BSc थी गाइस उसमें 75 के आसपास ही बनने वाले थे, मेरे को पता था, लेकिन मैंने कहीं पे कोचिंग भी नहीं करी थी जैसे कि IIT जैम की। ठीक है, तो उसके अलावा तो अब चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि अब आपको भी पता है 75 जिसने पढ़ी है उतने अच्छे से तो उसका इंटरेस्ट तो नहीं निकलने वाला है। ठीक है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने IIT जैम की ना कोचिंग करी या फिर किसी MSc इंट्रेंस के लिए कोचिंग अगर नहीं करी है तो भी मेरा नहीं निकलने वाला है। ठीक है, ये तो फैक्ट है, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि बस मैंने BHU को ट्राई करा था क्योंकि वो घर के मेरे पास था। ठीक है, तो BHU का मैंने ट्राई कर दिया, लेकिन होता ये है ना कि आप लोग जब घर के पास कोई यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो घर में ही आना जाना लगा रहता है, तो उनके लिए जो पर्सनल टाइम होता वो नहीं हो पाता है। ये 100% सच बात है, सब लोग ऐसा करते हैं, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा गाइस कि कभी भी घर के पास अपनी यूनिवर्सिटी मत रखना। ठीक है, ये फैक्ट है यार, होता है, घर तो आना जाना जल्दी हो जाता है लेकिन आपकी जो पढ़ाई होती है उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है, ये सब लोग जानते हैं और फेस भी करते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं
जब भी घर से आता हूँ कम से कम मेरे को 8 महीने 10 महीने या फिर एक एक सेमेस्टर खत्म करके जाता हूँ, बीच में नहीं जाता मैं, क्योंकि जो आपका एक रूटीन बन जाता है ना उसमें डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, घर जाओगे फिर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उसको, फिर वापस आओगे तो वो थोड़ा सा टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है जो आप लोगों को एक दूसरी कैटेगरी से हटा देती है, एक दूसरी राह पे लेके जाती है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है। और ये भी मत कभी सोचना कि अगर आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस मत प्रेफर करना। तो ये मैं बोलूंगा गाइस कि आप प्राइवेट कॉलेजेस भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि वहां तो कुछ ऐसे टीचर्स भी मिलेंगे जो आप लोग जो अपना करना चाहते थे, आपने कुछ और सोचा था लेकिन आपके अंदर कुछ और टैलेंट है, क्या पता वहां पे वो बाहर निकल के आ सकता है। ठीक है, ऐसा भी होता है जो मेरे साथ हुआ है। एक्चुअली मैं बेसिक तक तो मैं जानता भी नहीं था कि मैं टीचर का भी बन सकता हूँ, लेकिन जैसे ही एमएससी में यहाँ पे आया मेरे अंदर से पता नहीं कैसे लगा, टीचर्स को लगा कि भाई इसको बनना चाहिए, ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने ट्यूशन ऑफर करी मेरे को। और फिर वहीं से धीरे धीरे मेरे अंदर जो एक पैसा था टीचिंग का आने लगा। ठीक है, जबकि मैं उस टाइम कुछ भी नहीं जानता था कि कैसे पढ़ाया जाता है कैसे किया जाता है, और आज मैं एक अच्छे से अच्छा पब्लिक स्पीकर बोल सकता हूँ अपने आप को, और आप लोगों के साथ में सामने में बहुत अच्छे से बात करता हूँ। ठीक है, और मेरी खुद की कोचिंग भी है जहाँ पे मैं लोगों से 10 लोग 20 लोगों से डेली डील भी करता हूँ। ठीक है, और अपनी बातें भी मनवा सकता हूँ लोगों से, मनवाता भी हूँ। ठीक है, तो ये होता है, आप कुछ करना और चाहते थे लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जो आप लोगों के अंदर की एक जो होती है ना जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आ जाता है, तो आप खाली टाइम ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी में रह के नहीं कर सकते, वो हो सकता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कर लेते हैं, उनका एक फील्ड अलग हो जाता है, लेकिन अगर आप कुछ अलग सबसे करना चाहते हैं तो वो आप वहां से नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। ठीक है, आप लोग का मानना कुछ और भी हो सकता है, तो आप लोग सारे मानने जो भी हैं आपके जो भी थॉट्स हैं जो भी आपके विचार हैं यहाँ पर रख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और हमें बताइए कि आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, ऐसी चीज़ें आपने फेस करी है कि नहीं करी है। ठीक है, और जो लोगों का एडमिशन नहीं होता है प्लीज़ अब वो डिमोटिवेट नहीं होना, किसी भी कहीं से भी कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा घर से दूर ही करना अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, क्योंकि घर के पास करोगे तो आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं होगी तो तुम घर पे रहोगे। ठीक है, और घर पे रहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, मुझे भी पता है रोज ट्रैवलिंग का तुम्हारा चक्कर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहीं से भी कर लेना, बस गैप मत करना, क्योंकि आप गैप करोगे तो फिर आपका जो एक रूटीन बना है ना बेसिक के बाद पढ़ने वाला वो फिर खत्म हो जाएगा और आप अच्छा नहीं कर पाओगे सच में, क्योंकि टाइम कम है। आप भले 2 साल बाद अच्छा कर सकते हो लेकिन 2 साल आपको तो गए ना। ठीक है, तो हर एक दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, और एक एक साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि इस साल मेरा कहीं एमएससी में नहीं हुआ, एक साल और गैप कर लेता हूँ, अगले साल कहीं से ट्राई करूंगा, तो भाई ये सोचोगे तो फिर 1 साल वेस्ट करोगे यार। तो तुम्हारी लाइफ को एमएससी मंजूर नहीं थी तब भी तो यार तुम्हारा कहीं नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मत सोचना कि 1 साल में नहीं हुआ तो दूसरे साल में कर लूंगा, क्या पता कुछ और सोचा जो 1 साल गैप हुआ है कहीं नहीं हुआ आपका यूनिवर्सिटी में, तो क्या पता कुछ लाइफ को और ही मंजूर हो सकता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना और ध्यान देना, और हो सके तो कमेंट करके बता भी देना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।